सभी का स्वागत है आपको प्लेटफॉर्म डेटा क्लासेस पे। देखिए आप सभी लोगों के लिए यूपी पीसीएस का जो एपीएस का फॉर्म आया है उसके लिए हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। साथ साथ में आरओ एआरओ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जो आरओ एआरओ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको साथ ही बताते चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो दोनों के लिए अलग अलग दोनों में जो इम्पॉर्टेंट है उसके लिए अलग से आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। वीडियो को एक बार जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं एक बार लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दें। आपको ऐसा कंटेंट काफ़ी मेहनत से लाया जा रहा है, ऐसा कंटेंट शायद ही आपको इतने अच्छे तरीके से मिल रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिल नहीं रहा है, मिल रहा है लेकिन पेड़ में मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका ये जो पोर्शन है भूगोल विषय का है, ठीक है। तो प्रमुख जनजातियों से क्वेश्चन हम इसलिए ना क्योंकि यहाँ से फेवरेट टॉपिक हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, एसएससी में भी आएगा और यूपीएससी दो का फेवरेट टॉपिक। तो ये जान लेते हैं, देखिए जनजातियाँ भारत की कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए जनजातियों का कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, कोई अनुच्छेद नहीं है, लेकिन आर्टिकल 366 में 25वां जो वो है उसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 347 आप याद रखिएगा जनजाति, आर्टिकल 347 में ये बताया गया है कि इस आर्टिकल के थ्रू जितने भी भारत की जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है, उनको हम भारत की ट्राइब्स या प्रमुख जनजातियां मानते हैं। अब ट्राइब्स होती क्या है, देखिए इनको 7 हिस्सों में बांटा गया है, इसमें 7 पार्ट्स में बांटा गया है, पूर्वी क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय, पश्चिमी क्षेत्रीय, इस तरीके से है ये, ठीक है। और हम आपको बता सबसे ज़्यादा, ठीक है, सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पे हैं, किस प्रदेश में हैं आपकी सर्वाधिक जनजातियाँ, ये आपकी हैं एमपी में, ठीक। उसके बाद नंबर किसका आएगा, महाराष्ट्र का, ठीक है। उसके बाद नंबर किसका आएगा, उड़ीसा का, ठीक है। तो ये तीन प्रदेश याद कर लीजिएगा क्रमवाइज है, ठीक है। अब बात आती है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है। तो सबसे अगर बड़ी की बात करी जाए तो वो है आपकी भील, और सबसे छोटी की बात की जाए, ठीक है, वो कौन सी है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे बड़ी देखिए भील है, भील के बाद आपकी कौन सी जनजाति है, गोंड नंबर दो पे आती है, कौन सी, गोंड, ठीक है। फिर आपकी संथाल आती है, देखिए बनारस बनारस तरफ आपको थोड़ा सा गोंड मिल जाएंगे संथाल। फिर है नेकदा, ठीक है, बुंदेलखंड वगैरह के भी इलाकों में पाए जाते। फिर है उरांव, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, एक टॉप फाइव आपकी हैं। सबसे पहले भील सबसे बड़ा जनसमुदाय, फिर गोंड का, फिर संथाल का, फिर नेकदा, फिर उड़ाव। अब देखिए बात की प्रमुख जनजातियाँ जान ले, देखिए थारू, थारू पहले थी लेकिन अब गोंड आ गई है, ठीक है, गोंड और भील ये आप आपकी इसको क्रॉस कर दी हैं। थारू बहुत पहले थी जब स्टार्टिंग हो रही थी, ठीक है, और बीच में भी रही है, सन 2010 वर्ष तक तो रही है थारू ही, उसके बाद ये चेंजेस आए हैं। देखिए भारत की जनजाति में क्या है, थारू, थारू जनजाति आपको कहाँ पर मिलती है, देखिए सबसे पहले तो थारू जनजाति आपको उत्तराखंड का नैनीताल ज़िला है से उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के तराई एरिया तक पूरी फैली हुई है, बिहार के तराई एरिया में भी है। ये हिंदू धर्म मानते हैं लेकिन दीपावली को शोक का पर्व मनाते हैं, ठीक है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा रहती है, किरात वंश के माना जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। थारू से क्वेश्चन यूपी में भी बहुत आता है, यूपी के भी बहुत फेवरेट है, ठीक है, नेपाल वगैरह में पाई जाती है। भोटिया या उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है, भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं, ठीक है, मंगोल प्रजाति के याद रख लीजिएगा, ठीक है। भोटिया क्या है, देखिए जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती है, भोटिया जनजाति देखिए अब देखिए सिक्किम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाएगी। तो आपने थंबनेल देखा होगा, हमने वहाँ पे मैप पे आपको बताया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी देखिए ये आपकी जनजाति है भोटिया याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड की आपकी फेमस जनजाति आपने देख ली। अब हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं वो जनजातियाँ जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए औंज जनजाति, देखिए एक सेंटलीज होते हैं ये भी याद रख लीजिएगा, अंडमान निकोबार में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो औंज जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। औंज ये निग्रेटो प्रजाति के होते हैं, देखिए सोमपेन सेंटलनीज
जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्वेश्चन पूछा गया था एटलीस्ट का, और सोमपेन का भी अब आने के चांसेस हैं। ठीक है, सोमपेन जनजाति क्या है, ग्रेट निकोबार के द्वीप में पाई जाती है। कहाँ पे ग्रेट निकोबार, तथा ये मंगोलियाइड प्रजाति के हैं। अब देखिए सेंटिनलीज उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप में निवास करते हैं, ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। अगला आपका क्या है, देखिए नागा, नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश की जनजाति नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकांशतः नग्न अवस्था में ही पाए जाते हैं, नागालैंड की बात की जा रही है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव बर्थ रेट है। ठीक है, और पॉपुलेशन रेट भी नेगेटिव ही है। अब देखिए झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट जाति है, जनजाति पूछी जाती है कई बार, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों का फेवरेट टॉपिक है। उरांव याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर पाँच पे आती भी है। हो, भूमिस, खड़िया, सूर्या, बिरहोर इम्पॉर्टेंट है, खोंड भी इम्पॉर्टेंट है, खरवार भी इम्पॉर्टेंट है, असुर और बैगा, ये जितनी आपने हमने आपको राशन बताई, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप राजस्थान की देखिए कुछ जनजातियाँ जो कॉमन पल जाती है, जैसे भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दामोर, दमोर, पटेलिया, इसमें गरासिया, सहरिया, मीणा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भील के साथ साथ। अब देखिए गद्दी, ये बहुत पूछी जाती है, गद्दी आपकी कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की धौलाधर श्रेणी में, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जो जिला वहाँ पे है, जहाँ पे भी आपका काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, नेचुरल डिजास्टर जो आई थी, धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। ठीक है, धौलाधर, धौलाधर में देखिए गद्दी है आपका, लद्दाखी, गुज्जर एम बकरवाल, ये याद रखिएगा, लाहौली और बारी, बारी भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबसे बड़ा जो है आपका गोंड, भील के बाजू नंबर दो पे है, गोंड की बात करते हैं, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी थे। ठीक है, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। अब गोंड जनजाति देखिए कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले तो आप बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, स्टेट की याद करिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी भी याद रखिएगा, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखिर तो मछली पर निर्भर रहते हैं, भील जनजाति। अब संथाल की बात की जाए, देखिए संथाल परगना के क्षेत्र के निवासी मानते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने संथाल पहले भी पढ़ा होगा, जिस कारण संथाल नाम से जाना, वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार संथाली देखिए कहाँ पे लोग ज़्यादा मिलेंगे, बिहार में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है, इनका मुख्य आहार चावल है, ये भी पूछा जाता है। देखिए थारू जो लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये चावल की जो है, चावल के मांड की जो है दारू बना के पीते हैं। ठीक है, मदिरा, मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम यहाँ से आपको मिले हैं झारखंड के, ये जनजाति झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में पाई जाती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागू, कर्मा, सरहुल, सरहुल याद रखिएगा, सोहराई प्रमुख है। सरहुल जो आपका त्यौहार है, देखिए मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है, एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। ठीक है, कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड व छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल, फल एवं शिकार पर निर्भर है, कुछ कोरबा कृषक भी होते हैं। अगला कोल, कोल देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोल आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। देखिए ठीक है, क्या है, कृषि। अगला मंगानियर, मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करते हैं, मुस्लिम जनजाति, ये जनजाति अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। खासी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो खासी, जयंता हिल्स आपने सुन रखी होगी, तो मेघालिया में खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम, मेघालय, मिजोरम में निवास करती है, जनजाति झूमिंग कृषि करती है, और पहाड़ी, पहाड़ी का नाम भी इसी जनजाति पर पड़ा है, गारो खासी आपने नाम सुना होगा, गारो खासी, जयंता हिल्स। टोडा देखिए, टोडा जो है आपकी नीलगिरी पर्वतों की पहाड़ियों पर निवास करते हैं, टोडी रुड्डा के नाम से जाता है, इन लोगों का दावा यह है कि ये आर्यों के वंशज है, बोलते हैं, पशुचारण इनका प्रमुख है, बहुपति यहाँ पे विवाह प्रथा प्रचलित रहती है। जारवा देखिए, जारवा की बात की, सर्वाधिक अध जनजाति जारवा है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप तथा मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है।
ठीक है, इसके इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया था। ठीक है, बुक्सा बहुत इम्पोर्टेंट है, बुक्सा किस लिए पर देखिए, ये जनजाति क्या है, उत्तराखंड के देखिए नैनीताल पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह यानी उल्टा विवाह, अगर आपके यहाँ पे इन्होंने लड़की को ब्याह किया है तो आपके यहाँ से भी लड़की के विवाह इनके वहाँ पर होना चाहिए। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है इसलिए इम्पोर्टेंट। अगला राजी, ये भी उत्तराखंड और यूपी की मानी जाती है, इन्हें बनरौद भी बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इनका धर्म हिंदू है, झूमिंग कृषि इनकी भी फेमस। तो एक बार आपसे पूछा झूमिंग कृषि किस किस में है, अब देखिए यूपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है खरवार, खरवार और खैरवार दोनों हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया बलिया गाजीपुर वाराणसी सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी सहायक रूप से मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश की यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पॉइंट टू बी नोटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए भारत की प्रमुख जनजातियाँ हमने आपको बता दी, अब हम आपको कुछ आदिम जनजातियाँ बताते हैं कुछ प्रदेशों से। देखिए पहले लेते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना, क्योंकि साउथ से आपकी पूछी ही पूछी जाती, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है चेंचू बोंडो, इस यहाँ पे बोंडो एक आपकी डिश भी बनती है टमाटर की। डोंगरिया कोंद, अब खोंड खुपरेजा, इसमें आपकी कोंडा रेड्डी इम्पोर्टेंट है, कोंडा ठीक है। थोटी पुरोजा, ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब बिहार के लिए देखिए सारी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी अभी आपका पेपर आ रहा है वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। असुर बिरहोर दोनों पूछी जाती हैं, ठीक है कोरवा पूछी जाती है, उसके बाद सौरिया पहाड़िया और सवर पूछी जाती है परहिया, ठीक है। गुजरात में देखिए कौन सी है, कोटवालिया पढ़ार सिद्धि कोलगा, सिद्धि कोलगा। अब देखिए कर्नाटक में कौन सी है, जेनू कुर्बा कोरगा, केरल इम्पोर्टेंट है, कडार कंटायन कट्टायन कन कुरुम्बा। फिर एमपी में देखिए बहुत सारी जनजाति हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही सब है। मारिया पूछी जाती है, अबुज बहगा इम्पोर्टेंट है, भारिया पहाड़ी कोरबा कमार सहरिया और बिरहोर, बिरहोर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड से बुक्सा और राजी, ठीक है बुक्सा और राजी, थोड़े से गोंड भी पाए जाते हैं यूपी में, ठीक है। और खरवार जो है ये भी इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए। अगला वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए, बिरहोर लोधा टोटो, ठीक है बिरहोर लोधा टोटो। अब अंडमान निकोबार देखिए इम्पोर्टेंट है, सेंटलिनी सोमपेन ओंगे, ये कई बार पूछी गई है, जारवा भी, ठीक है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मणिपुर हमारा रह गया था, देखिए मराम नागा। अब उड़ीसा में देखिए बहुत सारी हैं, बिरहोर है बोडो है, ठीक है जुआंग याद रखिएगा, खरिया लोधा मन की दिया भुइया, भुइया बहुत इम्पोर्टेंट है उड़ीसा से कई बार पूछी गई है, सौरा और भुजिया, ठीक है भोजिया। राजस्थान से देखिए केहरिया है, अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो इरलूर टोडा इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरा से रियांग है, और अगर देख लें कोई छोटी हो तो, और कोई आपकी छोटी नहीं है। तो देखिए ये आपकी जनजातियाँ थी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है जियोग्राफी के सब्जेक्ट के प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से आपके लिए क्लासेस दी जा रही हैं, इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो अगले वीडियो में, ठीक है आपको देखिए तीनों सब्जेक्ट हमने आपके स्टार्ट कर दिए, हिस्ट्री पे आपको क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो गई है, और ये आपका जियोग्राफी रहा, ठीक है। तो मेजर आपके जो तीन सब्जेक्ट हैं आर ओ ए आर ओ ए पी एस और इलाहाबाद हाई कोर्ट, तीनों के लिए बहुत अच्छे इस तरीके से हमने आपको इम्पोर्ट करके बता दिया है। इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इनको जरूर से ज़रूर देखिए, जो भी पहली बार देखिए वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लाइक नहीं भी करें तो एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है ताकि जिसको भी नीड हो ऐसा वीडियो मिल जाए ताकि उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी सुझाव है उनका वेलकम है, नया क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है, क्लासेस नाइट को भी मिला करेंगी आपको, ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक।